नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सी फ़िश फ्राई और फ़िश करी। तो दोनों मैं बना रही हूँ सेम फिश से। ये फ़िश शायद मैंने पहली बार आप सबके साथ शेयर किया है। इस फिश का नाम है सैरडाइन। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो सैरडाइन फ़िश लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है फ़िश खाने के लिए। लेकिन हाँ, जब आप तल के खाओगे तो थोड़ा बहुत तो उसका जो भी उसमें है लाइक ओमेगा 3 वो सब तो शायद चले ही जाएंगे, लेकिन ये फ्राई करके खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे पका के भी खा सकते हैं ताकि सारे मिनरल्स विटामिंस जो है वो उसमें रिटेन रहे। फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं सैरडाइन फ़िश का ही करी बना रही हूँ। तो मैं 1 किलो लेके आई थी, जिसमें से आधा किलो फ्राई कर लिया है और आधा किलो मैंने करी बना लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टेराकोटा पॉट और ये देखिए गरम हो गई है। हमारा जो पॉट है वो गरम हो गया है। इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे मेथी के दाने और सरसों के दाने। अब हम डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर और स्प्लिट किया हुआ हरी मिर्च। तो गार्लिक 1 टेबलस्पून, जिंजर 1 टेबलस्पून और स्प्लिट किया हुआ हरी मिर्च मैंने 4 लिया है। करी लीव्स डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो अब हम डाल देंगे सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सिर्फ कलर देगा। मिला लेंगे अच्छे से। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है। ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो करी है बहुत ही पतला बनता है, तो इसे गाढ़ा या एकदम गाढ़ी ग्रेवी नहीं बनती है। यहाँ पे फिश करी जो है एकदम पतला ही बनता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप पानी। अब हम इसमें कोकम डाल देंगे खटास के लिए और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो सैरडाइन फ़िश को मैंने अच्छे से धो के यहाँ पे पानी में ही रखा है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगी, यानी कि हमारी ग्रेवी में उबाल आ जाएगी, हम सैरडाइन फ़िश को एक एक करके इस ग्रेवी में डाल देंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिश जो है जल्दी पक जाती है, तो मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो दोस्तों, फिश करी तैयार है एंड इसे आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।